हेलो एंड वेलकम टूल आर वॉचिंग दिस वीडियो दिस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू अपीयर इन क्लास ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम एज वेल एज जेई बट दिस वीडियो भी हेल्पफुल फॉर देम बट दिस विल ऑल्सो हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स हुआ प्रिपेयर फॉर जे ई मेन्स एग्जाम इन फ्यूचर बिकॉज क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ स्ट्रैटेजीज और टिप्स डिस्कस करने वाले हैं जो उन के प्रिपरेशन में ज़रूर हेल्पफुल होगी चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या ओवरव्यू इस ओवरव्यू में हम इसमें आपको पता चलेगा कि आप ये पूरी वीडियो देखने के बाद पूरा कंटेंट देखने के बाद आप क्या सीखेंगे आपको क्या क्या चीज़ें पता चलने वाली हैं पहली चीज़ टाइम मैनेजमेंट जो भी बच्चे बोर्ड्स की और जे की प्रिपरेशन करते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि कोई सी चीज़ में कोई भी चीज़ प्रिपेयर करने में कितना टाइम लगना चाहिए पेपर अटैम्प्ट करने में कौन सी चीज़ में कितना टाइम लगना चाहिए और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट ना होने के कारण वो पेपर में सिली मिस्टेक करते हैं और डीमोरलाइज हो जाते हैं तो चलिए देखते हैं आगे बढ़ते हैं स्ट्रैटेजिक लर्निंग के कोई भी चीज़ लर्न करने में लर्न करने के लिए अगर आपके उसकी स्ट्रैटेजी है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप अपने गोल तक ईजीली पहुँच जाओगे बट आपका स्ट्रैटेजी नहीं है तो आपको बहुत डिफिकल्टीज़ फेस करनी होगी और वो स्ट्रैटेजी हम आपको बताएंगे आगे बढ़ते हैं ट्वेल्थ बोर्ड्स परस्पेक्टिव हम इस वीडियो में ट्वेल्थ बोर्ड का डिटेल हमने ट्वेल्थ बोर्ड के पेपर्स का डिटेल एनालिसिस किया है और पूरे ट्वेल्थ बोर्ड के परस्पेक्टिव को हमने ध्यान में रखते हुए स्ट्रैटेजीज बनाएंगे आगे बढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कई बच्चे ये मिस कर जाते हैं वो जेई मीन्स परस्पेक्टिव हमने जेई मीन्स के भी पेपर्स का एनालिसिस किया है और उसके ऊपर हमने डिटेल एनालिसिस करके स्ट्रैटेजीज बनाई है तो चलिए आगे बढ़ते हैं कंटेंट इस वीडियो में कंटेंट क्या होगा पहला होगा चैप्टर्स इंट्रो सारे चैप्टर्स और उनका वेटेज हम बताएंगे आपको डिपेंडेंसी जो भी चैप्टर्स आप पढ़ते हो तो आपको पता ही नहीं होता कि क्या रिलेशन से चैप्टर के बीच में कौन सा चैप्टर हमें पहले पढ़ना चाहिए कौन सा चैप्टर्स लास्ट में पढ़ना चाहिए तो डिपेंडेंसी इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर जो बच्चों को पता ही नहीं होता है आगे बढ़ते हैं प्रीवियस ईयर पे हमने पिछले पाँच साल का डेटा कलेक्ट किया है और उसे एनालाइज किया है जे मेंस का भी और बोर्ड्स का भी ताकि आपको पता चल सके कौन सा टॉपिक हर साल उठता है कौन सा टॉपिक सा पाँच मार्ग का आ रहा है नहीं आ रहा है वो सब हम डिस्कस करेंगे और आखिरी में रोड मैप रोड मैप एक तरीके से आपको बताया कि किस सीक्वेंस में आपको चैप्टर्स उठाने चाहिए पढ़ने के लिए और ये आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा चलिए तो बात करते हैं अब बोर्ड्स की तो हर साल बोर्ड में बारह लाख बच्चे रजिस्टर करते हैं और करीब दस साढ़े दस लाख बच्चे पास होते हैं दैट इज़ अराउंड एट्टी फाइव परसेंट ऑफ द पासिंग रेट आगे तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं टाइम लाइन ये टाइम लाइन में हमने सारे जो यूनिट्स उसके चैप्टर बताएँ तो पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसमें आता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और दूसरा चैप्टर है इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। दूसरी यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी तीसरी यूनिट है मैग्नेटिज्म इसमें आता है मूविंग चार्जेज एंड मैगनेटिज़म और मैग्नेटिज्म एंड मैटर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग चौथी यूनिट है इलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट ये दोनों सेपरेट अलग अलग चैप्टर्स हैं इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे यूनिट फाइव की तरफ आगे बढ़ते हैं तो यूनिट फाइव है अपनी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेवस आगे बढ़ते हैं यूनिट सिक्स की तरफ तो वो है ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स में आते हैं दो चैप्टर्स रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स यूनिट सेवन पे देखें तो आता है मॉडर्न फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स तीन चैप्टर कंसिस्ट करता है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर एटम्स एंड न्यूक्लियर ये तीन चैप्टर कंसिस्ट करता है मॉडर्न फिजिक्स यूनिट एट की तरफ बढ़े तो उसका नाम है सेमी और लास्ट बट ऑन लीस्ट कम्युनिकेशन डिवाइसेस आगे बढ़ते हैं और चलिए वेटेज देखते हैं इन चैप्टर्स का और ये जो वेटेज है ये सी बी एस ई ने रिलीज़ किया है ट्वेंटी ट्वेंटी वन पेपर के लिए फिजिक्स का वेटेज है और पहले यूनिट का जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसका वेटेज है ट्वेल्व परसेंट और इसका हमने परसेंटेज में इसलिए दिया है क्योंकि परसेंटेज में ऑब्वियसली इजी रहता है पेपर तो एटी मार्क्स का होगा तो मार्क्स में आप कन्फ्यूज़ सकते हो तो इसलिए हमने वेटेज परसेंटेज में निकाला है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वेटेज है ट्वेल्व परसेंट मूविंग है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का है टेन परसेंट वेटेज मैग्नेटिज्म का है इलेवन परसेंट वेटेज ई एम का है इलेवन परसेंट वेटेज ई एम का है इलेवन परसेंट वेटेज ऑप्टिक्स का ट्वेंटी परसेंट वेटेज है दैट इज अराउंड वन फिफ्थ ऑफ द टोटल वेटेज तो बहुत ही सादा वेटेज है इस टॉपिक का और आगे हम डिटेल में भी बात करेंगे इस चीज़ के बारे में आगे देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ ज्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर का है सिक्स परसेंट वेटेज एटम एंड न्यूक्लियर का है कम्बाइन करके नौ परसेंट का वेटेज सेमी का है टेन वेटेज एंड लास्ट बट नॉट लीज कम्युनिकेशन डिवाइस का है सेवन परसेंट वेटेज अब आप इस पायाग्राफ में देख रहे होंगे तो सबसे ज़्यादा वेटेज वन फिफ्थ ऑफ द वेटेज है ऑप्टिक्स का और रिसेंटली बोर्ड्स ने बहुत सारे टॉपिक रिमूव भी करे हैं इस टॉपिक से ऑप्टिक्स से तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा और ये काइंड ऑफ बच्चों को मुश्किल भी लगता है पर अभी जब हम इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर ज़रूर हो जाएंगी और ये आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा सेकेंड uh, मोस्ट हैवी टॉपिक की बात करें तो वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ट्वेल्व परसेंट के साथ और बात करें तो आता है फिर मैग्नेटिज्म और ई एम आई ए सी और इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिपेंडेंसी इसके बारे में हम पहले ही पहली स्लाइड में बात करी थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होता है कि किस सीक्वेंस में करना चाहिए चैप्टर क्या रिलेशन है चैप्टर के बीच में तो यहाँ पे आपको दो स्टेयर्स दिख रहे होंगे और कुछ वेन डायग्राम दिख रहे होंगे तो पहले हम बात करते हैं वेन डायग्राम की तो पहले वेन डायग्राम में है करंट इलेक्ट्रिसिटी और अल्टरनेटिंग करंट डेफिनेटली इन दोनों के बीच में कुछ डिपेंडेंसी है कि पहले आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी करना चाहिए फिर अल्टरनेटिंग करंट करना चाहिए आगे बढ़ते से सेकेंड वेन डाइग्राम में तो उसमें पहले हमको करना है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस तीसरे मेन डायग्राम में पढ़ते हैं तो ड्यूअल नेचर और एटम एंड न्यूक्लियर आगे बढ़ते हैं स्टेयर्स की तरफ तो ये स्टेयर्स में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिर मैग्नेटिज्म फिर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन और जो बच्चे ट्वेल्थ का थोड़ा बहुत भी पढ़ चुके हैं उन्हें मालूम है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म के कई हद तक जो फॉर्मूलाज होते हैं वो सिमिलर होते हैं मिनिंगल कॉन्सेप्ट से होते हैं बट फॉर्मूलाज कुछ हद तक सिमिलर होते हैं तो आप एक चैप्टर को अगर ढंग से करते हो तो दूसरा भी आपको काइंड kind ऑफ of समझ में ईजीली आने लगता है क्योंकि सिमिलर फॉर्मूलाज देखने को मिलते हैं इसलिए फिर आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रो इंडक्शन की तरफ तो हाँ अगर आप मैग्नेटिज्म पढ़ लेते हो तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के भी कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े समझ में आ जाएंगे दूसरी स्टेयर दूसरी स्टेयर की तरफ बढ़ते हैं तो पहला है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर उसका अगला स्टेप है एटम्स और उगला अगला अगला स्टेप है न्यूक्लियर ये पूरा मॉडर्न फिजिक्स ही दिख रहा है मुझे और हाँ इसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नए पेपर के पैटर्न का जो कि बोर्ड ने खुद रिलीज़ किया है ट्वेंटी के फिजिक्स के पेपर के लिए तो जो पहला सेक्शन होगा सेक्शन ए उसमें आएंगे फोर्टीन क्वेश्चन जो कि होंगे वन मार्क के हम इन वन मार्क के क्वेश्चन को वन वन वर्ड और एम सी भी कह सकते हैं मतलब वन वर्ड क्वेश्चन आएंगे या तो एम सी क्यूज आएंगे तो ये बच्चों बच्चे इजीली कर सकते हैं सेक्शन बी होगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का जिसमें नाइन क्वेश्चन आएंगे टू मार्क्स के ये टू लाइनर या थ्री लाइनर मैक्सिमम उससे ज़्यादा नहीं सेक्शन सी ओ का लॉन्ग आंसर इस क्वेश्चन का जिसमें आएंगे पाँच क्वेश्चन तीन मार्क के इसमें कोई भी डेरीवेशन या फिर मेरिकल ईजीली पूछ सकते हैं अब आगे हम ज़रूर इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आगे बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ पहले ये सेक्शन था नहीं मतलब चार मार्क के कोई क्वेश्चन आते नहीं थे आते थे तो एक क्वेश्चन आता था वैल्यू बेस्ड पर वो हटा दिया गया था तो इसको फिर से इंट्रोड्यूस किया गया है और ये होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का इसमें दो क्वेश्चन होंगे चार मार्क के आगे बढ़ते हैं सेक्शन ई e की तरफ तो इसमें ये होता है ये इसमें ये है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का और इसमें होंगे तीन क्वेश्चन पाँच मार्क के इसमें डेरीवेशन और न्यूमेरिकल दोनों साथ में आ सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आ सकती है इसके बारे में भी हम डिटेल में ज़रूर चैप्टर वाइज वीडियो जो हम रिलीज करेंगे उसमें बात करेंगे आगे बढ़ते हैं ग्राफ्स पे तो हमारी टीम ने पिछले पाँच साल की फिज़िक्स के बोर्ड्स के पेपर का डिटेल एनालिसिस किया है और जो भी जिस भी टॉपिक से जितने मार्क का क्वेश्चन आया है उसको डिवाइड करके यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है तो चलिए देखते हैं पहले हम बात करते हैं वन मार्क पैटर्न की एक मार्क के क्वेश्चन किस टॉपिक से कितना है वो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है तो आप देख सकते हैं ये रेड लाइन्स कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा ऊपर दिख रही लंबी दिख रही हैं तो इसका इसके पीछे रीज़न ये है कि ट्वेंटी ट्वेंटी में पैटर्न चेंज हो गया था और इन टोटल ट्वेंटी क्वेश्चन आए थे एम इन टोटल ट्वेंटी क्वेश्चन आए थे वन मार्क टाइप में तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से टू करंट इलेक्ट्रिसिटी टू डेट इज़ टू प्लस फोर मैग्नेटिज्म से पाँच क्वेश्चन आए थे डैट इज़ फोर प्लस फाइव नाइन मॉडर्न फिजिक्स से पाँच क्वेश्चन आए थे डैट इज़ फाइव प्लस नाइन फोटीन ऑप्टिक से फोर क्वेश्चन आए थे दैट इज फोटीन प्लस फोर एटीन एंड सेमी कंडक्टर से आए थे टू क्वेश्चन दैट इज़ एटीन प्लस टू ट्वेंटी यहाँ पर ट्वेंटी क्वेश्चन यहाँ पर हमने ढूँढ uh, के निकाले हैं हमने और एक क्वेश्चन शायद और टाइप में भी था तो वो ई एम आई से आया होगा तो वो भी हमने ढूँढा है तो इससे पता क्या चलता है जो इस साल का पैटर्न है ट्वेंटी ट्वेंटी वन का उसमें भी फोर्टीन वन मार्क टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो वन मार्क टाइप क्वेश्चन आए तो उनमें हैवी जो वेटेज हो वो मैग्नेटिजम का हो मॉडर्न फिजिक्स का हो और ऑप्टिक्स का हो यह हम हो करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा ही हो बाकी अगर कंसिस्टेंसी की बात करें तो मैग्नेटिज्म से कंसिस्टेंटली हर साल एक ना एक क्वेश्चन आया ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हर साल एक ना एक क्वेश्चन आया ही है और दो क्वेश्चन भी आए हैं ई एम आई भी काइंड ऑफ कंसिस्टेंटली दो क्वेश्चन आ ही एक क्वेश्चन आ ही रहा है ठीक है तो अगर वन मार्क पैटर्न की बात करें तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटिज्म ई एम आई सी मॉडर्न फिजिक्स एंड ऑप्टिक्स इसमें हम वन मार्क से एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल आगे बढ़ते हैं टू मार्क पैटर्न की तरफ तो टू मार्क पैटर्न में देखा जाए तो कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिलेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मॉडर्न फिजिक्स में काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्वेश्चन आते हैं दो क्वेश्चन हर साल आ ही रहे हैं ऑप्टिक्स में भी काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी है हर साल एक क्वेश्चन आ ही रहा है और 2019 में तीन क्वेश्चन आ गए थे जैसे आप देख सकते हैं और बात करें दो की तो दो में दो मार्क क्वेश्चन कम हो गए थे इसलिए आप देख सकते हो दो हज़ार अठारह में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक भी नहीं है मॉडर्न फिजिक्स का भी एक ही था ऑप्टिक्स का भी एक भी नहीं है तो ये क्वेश्चन पैटर्न जब चेंज होता है तो ये आ, आ, जो ग्राफ होता है वो रेगुलर हो जाता है नहीं तो अगर पैटर्न चेंज नहीं होता तो आपको रेगुलर पैटर्न ही देखने को मिलता है तो अगर टू मार्क पैटर्न की बात करें तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इम्पोर्टेंट रहेगा मॉडर्न फिजिक्स ऑप्टिक्स इम्पॉर्टेंट रहेगा अब आपने एक बात देखी होगी एक मार्क हो गया दो मार्क हो गया इन दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मॉडर्न फिजिक्स ऑप्टिक्स ये तीनों टॉपिक कॉमन है एक मार्क में भी और दो मार्क में भी तो हाँ जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं इसके इस चैप्टर में से उनका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है और जो हमारी चैप्टर वाइज वीडियो आएगी हम उसमें ये सारे छोटे छोटे टॉपिक जिनसे क्वेश्चन आते हैं उनका डिटेल एनालिसिस करेंगे और आपको ज़रूर बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन से कौन से टॉपिक से जो इन चैप्टर से उठते हैं बात करते हैं थ्री मार्क पैटर्न की तो तीन मार्क थ्री मार्क पैटर्न में हमको लगभग लग सारे चैप्टर ही देखने को मिल रहे हैं हर चैप्टर से क्वेश्चन आते ही हैं बट अगर कंसिस्टेंसी की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहाँ भी कंसिस्टेंसी दिखा रहा है एक क्वेश्चन हर साल आया है इसमें तीन मार्क का और 2018 में क्योंकि दो मार्क के क्वेश्चन कम हो गए थे इसलिए यहाँ पे आ, तीन मार्क के क्वेश्चन बढ़ गए बात करें मैग्नेटिज़्म की तो हाँ मैग्नेटिज्म से भी हर साल तीन मार्क के क्वेश्चन आए हैं और बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की तो हाँ इससे भी आ, हर साल एक न क्वेश्चन आया ही है बाकी बात करते हैं तो ई एम और मॉडर्न फिजिक्स की तो इनसे आते हैं तो डायरेक्टली दो क्वेश्चन ही दिख रहे हैं नहीं तो नहीं दिख रहा है तो हाँ अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से एक आध क्वेश्चन आएगा ही मैग्नेटिज्म से आएगा ही सेमी से आएगा ही तो ये इम्पोर्टेंट है और मॉडर्न फिजिक्स और ई से भी आ सकते हैं बात करते हैं तो इम्पोर्टेंस हाँ ये पांचों टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ भी ये कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं अब चलिए बढ़ते हैं फाइव मार्क पैटर्न की तरफ तो फाइव मार्क पैटर्न में बहुत ही रेगुलर सा पैटर्न देखने को मिल रहा है और देखें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी सेमीकंडक्टर्स और कम्युनिकेशन डिवाइसेस से लास्ट फाइव इयर्स में टिल नाउ कोई क्वेश्चन नहीं आया है 2018 में मॉडर्न फिजिक्स से एक क्वेश्चन गलती से आ गया था 2018 नहीं 2017 सॉरी 2017 में एक क्वेश्चन गलती से आ गया था उसके बाद उससे भी आज तक एक क्वेश्चन नहीं आया है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जितने टॉपिक्स हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी मॉडर्न फिजिक्स सेमीकंडक्टर और कम्युनिकेशन डिवाइसेस इनसे कोई क्वेश्चन इस साल भी नहीं बनेगा पाँच मार्क में तो पाँच मार्क में कहाँ से आ रहे हैं क्वेश्चन तो देखा जाए ऑप्टिक्स काइंड ऑफ कंसिस्टेंटली हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है और कुछ टॉपिक्स तो मुझे अब तक याद है कि आ, जैसे यंग्स डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट डॉपलर्स इफ़ेक्ट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रेज और रिफ्लेक्शन थ्रू लेंस और ग्लास वट एवर दैट वॉज तो उससे क्वेश्चन हर साल हंड्रेड परसेंट एक ना एक आता ही था तो ऑप्टिक्स से ई एम आई सी भी काइंड ऑफ कंसिस्टेंटली एक साल नहीं आया था मैग्नेटिज्म भी कंसिस्टेंसी के साथ बस एक साल नहीं आया था और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कंसिस्टेंसी के साथ बस एक साल नहीं आया था क्योंकि ये एक साल कहाँ छूट रहा है क्योंकि ये तीन टॉपिक है एक ऑप्टिक से हर साल आ रहा है बाकी बचे अगर हमने पैटर्न नोटिस कराओ तो पाँच मार्क के इस साल भी तीन ही क्वेश्चन आएंगे एक क्वेश्चन ऑप्टिक से आएगा बचे दो क्वेश्चन तो वो दो क्वेश्चन इन तीन टॉपिक में डिवाइड हो जाते हैं अब वो कहाँ डिवाइड होंगे वो हम ज़रूर डिटेल वीडियो में बताएंगे कि इस साल कहाँ से कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आएगा और मैं आपको हंड्रेड परसेंट गारंटी के साथ दे सकता हूँ कि आपको ये वीडियो ये एनालिसिस ज़रूर हेल्पफुल रहेगा चलिए तो बात करते हैं रोड मैप ही और इसको मैं सिर्फ रोड मैप नहीं कहूँगा मैं इसको कहूँगा रोड टू तो सक्सेस बिकॉज ये जब आप रोड मैप पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास पूरा पाथ है फॉलो करने के लिए और जब हमारे पास पाथ होता है और गोल होता है तो फिर हम सक्सेस तक ज़रूर पहुँच जाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो ये रोड मैप में, में आप पहले तो हम मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करता हूँ ये जो रोड मैप हमने बनाया है उसको चार पैरामीटर्स के बेसिस पे बनाया है बट डिपेंडेंसी वेटेज डिफिकल्टी लेवल और टाइम कंजप्शन तो डिपेंडेंसी आपको मैं समझा चुका हूँ ऑलरेडी कौन सा चैप्टर करने के लिए वो किस पे किस पर डिपेंडेंट है कौन से कौन से चैप्टर उसके पहले करने पड़ेंगे टाइम कंजप्शन किस चैप्टर को करने में कितना टाइम लगेगा वेटेज ऑब्वियसली बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है और डिफिकल्टी लेवल की आप उसको करने में आपको कितनी डिफिकल्टी फेस होगी चलिए तो पहले बात करते हैं पहले चैप्टर पहली यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करेंगे हम काइंड ऑफ ईजी मीडियम काइंड ऑफ मीडियम चैप्टर है डिफ़िकल्ट uh, भी कह सकते हैं बट इसका क्या है ट्वेल्थ uh, तो हम स्टार्टिंग स्टार्टिंग आते हैं थोड़ा एक्साइटमेंट रहता है तो हम ये चैप्टर अच्छे से करते हैं स्टार्टिंग के तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहला मूव होगा जो हम करेंगे दूसरी दूसरा चैप्टर जो हम मूव करेंगे वो है मैग्नेटिज्म क्योंकि ये दोनों एक दूसरे मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर डिपेंडेंट है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद दूसरा मूव हम करेंगे मैग्नेटिज्म में इन दोनों का वेटेज काइंड ऑफ नॉर्मल है और टाइम कंजम्पशन भी ये तीन चार तीन चार दिन में हो जाता है अगर हम ढंग से करें तो फिर बात करते हैं थर्ड चैप्टर की तरफ अगर हम बढ़ना हो तो हम जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई पे ये बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि इसमें खूब सारे सर्किट्स और उसके डेरिवेशन वगैरह लेते हैं बट हाँ ये बहुत मुश्किल है और इसका वेटेज भी कम है और इसका टाइम कन्जपशन भी ज़्यादा है और हमने इस बात को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है हमारी टीम ने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया कि आप थोड़ा बहुत कुछ करो तो आपको रिलीफ मिले जैसे आप थोड़ा मीडियम हार्ड इजी हार्ड इजी आगे बढ़ेंगे तो भी इजी हार्ड इजी मीडियम इजी ओके तो आपको रिलैक्सेशन टाइम भी उतना मिल रहा होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा आपका फिफ्टी परसेंट एट्टी परसेंट हंड्रेड परसेंट कोर्स कब ख़त्म हो गया ठीक है बात करते हैं फोर्थ टॉपिक की तो है करंट इलेक्ट्रिसिटी इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है मतलब देखा जाए तो इसका वेटेज टॉपिक के हिसाब से बहुत अच्छा खासा है टाइम कंजप्शन भी कम है और बच्चों को ये बहुत इजी भी लगता है क्योंकि नाइन टेन में भी थोड़ा बहुत ये पढ़ के आते हैं पैरेलल सर्किट और कॉम्बिनेशन वगैरह तो हाँ ये सब ये करंट चैप्टर ये बच्चों को बहुत इजी लगता है मूव uh, करते हैं अल्टरनेटिंग करंट में तो हाँ ये भी ई के बाद का चैप्टर है और ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है ये तीनों चीज़ें तो हाँ ये मुश्किल चैप्टर है इसका वेटेज ठीक ठाक है इतना ज़्यादा नहीं है और इसका टाइम कंजपशन भी ठीक ठाक है आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे तो ये बहुत छोटा चैप्टर है बहुत ईजी चैप्टर है और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं उसका वेटेज ठीक ठाक है तो ये चैप्टर बहुत ही बेनिफिशियल होता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट तो अब हम करेंगे ऑप्टिक्स को क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स के दो पार्ट है पहले हम करेंगे रे ऑप्टिक्स फिर करेंगे वेव ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो ऑप्टिक्स वाला पार्ट है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है बोर्ड्स में डिफ़िकल्टी लेवल इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि डेरिवेशन से रटने होते हैं ज़्यादा कुछ होता नहीं है बोर्ड्स के लिए तो और बात करें डिपेंडेंसी की तो ये किसी पर डिपेंडेंट भी नहीं रहते हैं वेटेज भी सबसे ज़्यादा है और लास्ट पॉइंट टाइम कन्जपन टाइम भी ठीक ठाक है एक दो दिन में अगर आप ढंग से करो तो एक एक चैप्टर दोनों इजीली हो जाएंगे फिर बात करते हैं सेमीकंडक्टर की बहुत टॉपिक है एक दिन का टॉपिक है ये कुछ मतलब इजी टॉपिक है डिपेंडेंट भी नहीं है टाइम कन्ज्पशन भी कम है और वेटेज भी ठीक ठाक है तो मतलब ये तो आपके लिए मतलब कि बस लड्डू है उठाओ खाओ आगे बढ़ो फिर नेक्स्ट मूव करते हैं डुअल नेचर और ये मॉडर्न फिज़िक्स की तरफ आ गए ये इसका मॉडर्न फिज़िक्स का जो पार्ट है इसका भी बहुत सारा वेटेज है और हाँ अगर, अगर अपन पूरे मॉडर्न फिज़िक्स की बात करें तो ठीक ठाक टाइम ले लेगा ये बट हाँ इसकी डिपेंडेंसी ये एक दूसरे पर ही डिपेंडेंट है बाकी किसी यूनिट से इसको कोई लेना देना नहीं है और वेटेज भी ठीक ठाक है अब बात करते हैं नेक्स्ट कम्युनिकेशन डिवाइसेस के ये भी एक लड्डू है उठाओ खा जाओ एक दिन का टॉपिक भी नहीं है बहुत ईजी है और वेटेज भी इसका ठीक ठाक मतलब ज़्यादा वेटेज नहीं है बट बहुत ईजी है इसको छोड़ के जाना मतलब ईजी ईजी मार्क्स जो आपको आने वाले होंगे वो चले जाएंगे मेरा मानना ये है तो यही था रोड मैप का एनालिसिस इस ये रोड मैप हमने स्पेशली डिज़ाइन इसलिए किया था कि बच्चे कोई भी टॉपिक उठा के कुछ भी करने लगें उससे बचें और टाइम बर्बाद ना करें फोकट की चीज़ों में तो चलिए आगे बढ़ते हैं रिमूव टॉपिक्स में बोर्ड ट्वेंटी ट्वेंटी वन में बोर्ड ने कुछ टॉप थोड़ा रिलीव के लिए थोड़े टॉपिक्स कम कर दिए हैं बच्चों के लिए ताकि थोड़ा उनके लिए कोर्स कम हो जाए उनको इजी लगे तो वो टॉपिक्स कुछ ऐसे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से कुछ टॉपिक कम हुए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से कार्बन से रजिस्टर कलर कोड ये टॉपिक कम हुए मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से साइक्लोट्रॉन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये हटा दिया है तो बच्चों को इजी लगेगा मैग्नेटिज्म और मैटर से तो भगवान जाने क्या क्या, क्या रिमूव कर दिया लगता है पूरा चैप्टर ही रिमूव कर दिया हमने तो आप इस चीज़ का स्क्रीन ले सकते हैं हम चैप्टर वाइज रीडियो में इन सब चीज़ों की डिटेल में बात करेंगे और uh, अगले टॉपिक से अल्टरनेटिंग करंट से पावर फैक्टर और फॉल्टलेस करंट रिमूव हो गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट रिमूव हो गया है, और रे ऑप्टिक एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से भी बहुत सारे टॉपिक रिमूव हो गए हैं तो रे ऑप्टिक्स का भी टेज भी ज़्यादा है और उसमें से टॉपिक्स भी कम हो गए मतलब ये तो लाइक सोने पे सुहागा ही हो गया तो मज़े करो और क्या बढ़िया इसका स्क्रीनशॉट शॉट लेना पॉज करके Uh, आगे बढ़ते हैं डुएल नेचर ऑफ रेडिएशन इंड मैटर में से डिवीजन जर्मर एक्सपेरिमेंट रिमूव हुआ है न्यूक्लियर से ही बहुत सारी चीज़ें हाफ लाइफ और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटेड टॉपिक्स है जो रिमूव हो गए हैं बच्चों को बहुत ईजी लगेगा अब ये चैप्टर जहाँ तक मेरा मानना है और सेमी से भी दो तो चार टॉपिक्स रिमूव हुए हैं आप इसका स्क्रीन ले लीजिए अब बात करते हैं हम जेई मेन्स की तो जे ई मेन्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है जिसपे अभी हम फोकस कर रहे हैं और मैं इसके बारे में बताने से पहले मैं कुछ आपको टिप्स बताना चाहता हूँ जो मैं जो जे ई मेन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी तो पेपर के वक्त क्या होता है बच्चों को पता ही नहीं होता कि पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है ठीक है उनको पता ही नहीं होता है कि क्या पहले अटैम्प्ट करें कितनी देर में करें टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी कुछ नहीं बस मुँह उठा के दे देते हैं भले ही पढ़ के आते हैं बट कुछ मेन फैक्टर्स पे वो फोकस नहीं करते हैं जो कि जिसके कारण वो सिली मिस्टेक्स करते हैं और उनके कुछ मार्क्स अफेक्ट हो जाते हैं तो मैं आपको बताता हूँ पहला पॉइंट कि जब भी हम पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो हमको सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट करना चाहिए मैं मे, मेरी बात करूँ तो मेरे को तो मैथ्स बहुत पसंद है तो मैं तो मैथ्स तो 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 करके आ गया था सबसे पहले नहीं आ, तो करना ही होता है कि सबसे पहले केमिस्ट्री फिर फिज़िक्स फिर मैथ्स इसके पीछे एक बेसिक रीज़न ये है कि केमिस्ट्री जो होता है उसका क्वेश्चन होना होता है ना तो दस से बीस सेकेंड के अंदर ही हो जाता है और कोई बहुत स्लो हो तो उसका तीस सेकेंड वो कुछ होता है बंटी धोते जाओ धोते जाओ धोने होने को 10 से 20 सेकंड के अंदर हो जाता है पर और नहीं होता तो नहीं होता है फिर आती है बात फिजिक्स की फिजिक्स सॉल्व करते हैं अपन फिर मैथ्स मैथ्स में सॉल्व करने में टाइम लगता है इसलिए उसे लास्ट में लिया अब मैं बताना चाहूँगा कि कितना कितना टाइम अगर केमिस्ट्री के जो पच्चीस क्वेश्चन हैं वो मैक्सिमम चालीस मिनट के अंदर हो जाना चाहिए चालीस मिनट भी ज़्यादा है लेकिन हम चालीस मिनट मान के चलें तो केमिस्ट्री के लिए चालीस मिनट फिज़िक्स के लिए पचास मिनट और मैथ्स के लिए एक घंटा तो इन इन तीनों सब्जेक्ट्स के टाइम को ऐड करें तो हमारे ढाई घंटे पूरे हो जाएंगे टू एंड हाफ आवर बट लास्ट थर्टी मिनट्स हम कोई चीज़ छूट गई हो तो उस पर वापस जाके उसे कवर कर पाएंगे ये एक बेसिक और बहुत ही कारीगर स्ट्रेटजी है और ये ज़रूर काम आएगी आपको अगर आप ये यूज़ करेंगे तो सेकेंड चीज़ में बात करना चाहूँगा कि जब भी हम पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो हम रफ़ शीट जो हमें मिलती है हम उसको बस उसमें करते जाते करते जाते हैं बिना कोई तो उससे होता क्या है बहुत ही मैसअप हो जाती है चीज़ें तो ये मेरी सेकेंड टिप ये होगी कि जब भी आपको रफ़ शीट मिलती है तो उसके लिए हर क्वेश्चन का एक स्पेसिफिक कॉलम होना चाहिए कि कोई क्वेश्चन मुझे आता है मैंने आधा कर लिया मेरे पास थोड़ा टाइम लग रहा है तो मैं उसको छोड़ के उतना कॉलम उसके लिए थोड़ा छोड़ दूँगा और फिर आगे बढ़ जाऊँगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर उससे हुआ क्या जब मैं सारे क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट कर लूँगा और मेरे पास आधा घंटा बचेगा मेरा तो मैं उस क्वेश्चन पे वापस से इजीली पहुंच पाऊँगा और फिर मैं सिली मिस्टेक्स नहीं करूँगा और टाइम भी बचेगा मेरा और यही चीज़ ना अगर बच्चे नहीं करते हैं तो होता ही है कि वो उनको क्वेश्चन मिल नहीं रहा है टाइम वेस्ट हो रहा है तो वो नर्वस हो जाते हैं डीमोरलाइज हो जाते हैं बेसिकली और पेपर में कॉन्फिडेंस खो देना मतलब तो बहुत डेंजरस चीज़ हो जाती है वो तो ये मेरी सेकेंड टिप होगी अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा एनालिसिस करते हैं जेई मेंस के लास्ट छः साल के पेपर्स का हमारी टीम ने लास्ट छः साल के जितनी भी पेपर हुए उनका एनालिसिस किया अब आप सोच रहे होंगे कि सारे पेपर्स का कैसे किया है तो इसका जवाब पहले भी मिल चुका है और अब भी कि हाँ हमने जितनी बैचेस हुई थी उन सारे पेपर उठाए उनका एवरेज ले लिया एक पेपर के लिए एक साल के लिए ठीक है तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तो देखा जाए तो कंसिस्टेंसी मतलब लगभग सारे टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं एक टॉपिक जो मुझे लग रहा है जिससे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं वो है कम्युनिकेशन डिवाइसेस ये ये आपको लगता है क्वेश्चन नहीं आते बट हाँ इससे क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं और ये टॉपिक एक दिन का ही है एक दिन का मतलब आधे दिन का ही है इससे ज़्यादा का टॉपिक है भी नहीं ठीक है तो ये टॉपिक पे आप आधा दिन लगाओ और आपका एक क्वेश्चन सिक्योर हो जाएगा बस इजी फिर बात करते हैं कंसिस्टेंसी की तो सारे क्वेश्चन हाँ आ ही रहे हैं बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ग्राफ ऊपर जा रहा है नीचे मतलब करीबन एक क्वेश्चन तो मान लो दो क्वेश्चन भी आ ही रहे हैं और तीन क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभार करंट इलेक्ट्रिसिटी से लगभग हर साल तीन तीन क्वेश्चन आ रहे हैं मतलब जे मेंस के पर्सपेक्टिव से करंट इलेक्ट्रिसिटी मुझे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दिख रहा है और ये बहुत इजी भी होता है मेन्स में तो देखा जाए एडवांस की बात मैं करनी रहा हूँ मेन्स में करना कुछ नहीं है मैं आपको चैप्टर वाइज वीडियो में डिटेल में बताऊँगा कि आप ऐसा क्या कर सकते हो कि जितने क्वेश्चन दो तीन जितने भी हैं आप ईजिली कैसे सॉल्व कर सकते हो बात कर सकते हैं मैग्नेटिज़म की तो हाँ मैगनेटिज़म भी हर साल लगभग एक क्वेश्चन आ ही रहा है ई एम आई भी काइंड ऑफ कंसिस्टेंट है उससे भी दो दो एक क्वेश्चन आ ही रहे हैं मॉडर्न फिज़िक्स से ज़्यादा कंसिस्टेंसी मुझे दिख नहीं रही है उससे लगभग हर साल दो क्वेश्चन आ ही रहे हैं एक साल तीन आ गया था बात करते हैं ऑप्टिक्स भी कंसिस्टेंट है एक क्वेश्चन मिनिमम आया ही है और दो और तीन क्वेश्चन भी इससे पूछे हैं और सेमी कंडक्टर सेमी कंडक्टर से हर साल एक क्वेश्चन कंसिस्टेंटली आया ही है अब कंसिस्टेंसी की तो हमको सारे टॉपिक में कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है तो फिर क्या करें मतलब सारे करके चले जाएँ अब सारे तो कर सकते हो बट अगर आपके पास टाइम कम है तो क्या करें तो मैंने बताया आपको कम्युनिकेशन डिस्सेज आधे दिन का टॉपिक है और आपका एक चैप्टर खत्म एक क्वेश्चन हो सकता है आ जाए तो आपकी किस्मत अच्छी है सेमीकंडक्टर्स ये भी एक दिन का टॉपिक है ये कर बहुत ईजी टॉपिक है ये मेरे हिसाब से सबसे ईजी टॉपिक तो नहीं बट हाँ बहुत ईजी है और ये भी एक दिन का ही टॉपिक है ईजी ये टॉपिक करो और आपका एक क्वेश्चन सिक्योर हो जाएगा अब बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की इसका वेटेज सबसे इससे मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे और ये तीन से चार दिन का टॉपिक है बस उससे ज़्यादा का ये टॉपिक भी नहीं है ठीक है तो मैं आपको बोलूँगा सेमी कंडक्टर एक दिन का टॉपिक कम्युनिकेशन एक दिन का करंट इलेक्ट्रिसिटी तीन चार दिन का टॉपिक अगला मैं आपको बोलूँगा तो आप ऑप्टिक्स करके जाओ क्योंकि ऑप्टिक्स उप्टिक, ऑप्टिक्स में क्या होता है आ, आ, जो आ, मैंने आपको दो तीन टॉपिक बोर्ड्स के लिए बताया वो इसमें से भी जरूर क्वेश्चन आते हैं यंग डबल स्टेड एक्सपेरिमेंट डॉपल इफेक्ट तो इनके फेवरेट हैं उससे ज़रूर हंड्रेड परसेंट एक क्वेश्चन जो आता है वो इनसे ही आता है उठ के ठीक है बात करें मॉडर्न फिज़िक्स की तो मॉडर्न फिज़िक्स से जो रेडियो एक्टिविटी हाफ साइकिल होती है वो आती है एक्सरे पे जो क्वेश्चन बनते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे और एटोमिक स्ट्रक्चर जो स्पेक्ट्रम वाली चीज़ है वो हंड्रेड एट्टी परसेंट प्रोबेबिलिटी रहती है कि इन चार टॉपिकों में से किसी एक से क्वेश्चन जरूर आता ही आता है तो मैं आपको ज़रूर ये एडवाइस करूँगा कि आप ये चार पांच टॉपिक करके जाओ क्योंकि इजी बहुत है करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजी था मेरे को तो बहुत ईजी लगता था मॉडर्न फिजिक्स भी बहुत इजी है बात करें सेमीकंडक्टर और कम्युनिकेशन डिवाइसेस की तो ये भी बहुत इजी है एक है तो इससे दो क्वेश्चन अपन तीन क्वेश्चन मान लेते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तीन क्वेश्चन आ रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स से दो क्वेश्चन ऑप्टिक्स से दो या तीन आपकी किस्मत अच्छी हो तो तीन तो तीन पाँच आठ नौ दस सिर्फ दस क्वेश्चन आप ये चार पाँच ईजी टॉपिक्स करके भी जाओगे तो आपके बन जाएंगे और अगर दस क्वेश्चन इनके अपन गिन रहे हैं मतलब चालीस मार्क्स सिर्फ ट्वेल्थ के फिजिक्स में तो बाकी की तो इलेवेंथ तो और बाकी सब्जेक्ट्स तो छोड़ दो आपके चालीस मार्क्स सिर्फ ट्वेल्थ फिजिक्स से सिक्योर हो जाएंगे एक सेकेंड ठीक है आगे बढ़ते हैं अब हम थोड़ा डिस्कशन uh, करने की कि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसके आखिरी छः साल में सोलह क्वेश्चन हैं मतलब ऑन एन एवरेज टू टू पॉइंट फाइव मान लो अपन ढाई क्वेश्चन हर साल आया ही है ठीक है फिर इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड मैग्नेटिज्म इन दोनों टॉपिक से छः साल में बीस क्वेश्चन आए मतलब तीन का एवरेज मान लो अपन तो इन दोनों टॉपिक को मिला के तीन क्वेश्चन आए ही हैं मॉडर्न फिजिक्स से बारह क्वेश्चन मतलब दो क्वेश्चन एवरेज अपन मान के कि हर साल आए और ऑप्टिक्स से तेरह क्वेश्चन मतलब इससे भी अपन दो क्वेश्चन मान के चलो ऑन एन एवरेज आए ही हैं हर साल ठीक है तो मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और ये बहुत ईजी है मॉडर्न फिजिक्स ऑप्टिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी इनके तो मैं आपको बता चुका हूँ बट एक्सटर्नली अगर आपके पास ज़्यादा टाइम बचता है तो ये दो टॉपिक भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये टॉपिक्स आप ज़रूर करके जानना चलिए तो आगे बढ़ते हैं बात करते हैं चैप्टर्स यू मस्ट डू इन क्लास इलेवेंथ हमने क्लास ट्वेल्थ की डिटेल में हल्का सा एनालिसिस और बातचीत कर ली है लेकिन एलेवेंथ की हमने कुछ बात नहीं करी और हाँ ट्वेल्थ की हम और भी आगे हमारी चैप्टर वाइज जो हाउ टू सी जाएगी उसमें भी डिटेल में बात करेंगे बट इलेवेंथ की अभी कोई बात नहीं करी इसलिए हल्का फुल्का आपको ओवरव्यू इलेवेंथ का ही बता देता हूँ मैं कि ये ये कर लो एटलीस्ट तो आपका काम हो जाएगा क्योंकि होता है क्या इलेवेंथ का तो हम इलेवंथ में पढ़ लेते हैं लेकिन ट्वेल्थ के एंड तक हम उसको ना रिवाइज करते हैं और फिर आखिरी में हम भूल जाते हैं हमको कुछ याद नहीं रहता बस नाम नाम भी याद नहीं रहते बच्चों को तो, तो अगर आप जे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो अगर आप ये चार चैप्टर ही कर लेते हो तो ये मोस्ट ऑफ द वेटेज कवर कर लेता है पेपर का एलेवेंथ का तो क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशनस ये एक ऐसा चैप्टर है कि अगर आपको डायमेंशन निकालना आता है तो आप जेई में बहुत सारे क्वेश्चंस बिना जाने टॉपिक जाने अगर आपको उसका डायमेंशन आता है तो आप कर लोगे काइनेमेटिक्स न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी पा ये चैप्टर बच्चों को अच्छे लगते हैं मज़ा आता है करने में और ये इजीली अगर आपको इसको करने में मज़ा आता है तो आप इसको इजीली सॉल्व भी कर पाओगे और ये वो चैप्टर है जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि टाइम भी कम लेंगे इजीली हो भी जाएंगे क्योंकि ये चैप्टर्स एलेवंथ की स्टार्टिंग में एलवेंथ में बच्चे एक्साइटमेंट में आते हैं पी सी करके ठीक है फिर रोटेशन आते आते कोर्स मुश्किल होने लगता है और एक्साइटमेंट भी कम होने लगती है तो क्या फिर वही कॉन्फिडेंस लो हो जाता है करके तो ये चार चैप्टर बच्चे अच्छे से करते हैं तो मैं आपको ये चार चैप्टर ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप ये ज़रूर करना बात करते हैं अब इलेवेंथ की बात के लिए ट्वेल्थ का तो मैं आपको बता ही चुका हूँ मैं टाइम मैनेजमेंट के इस इस स्लाइड में बात करना चाहता हूँ उसके बुल्कि कि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो तीन चार दिन का है जेई मेंस के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ मैं मॉडर्न फिज़िक्स कम से कम दस दिन का है अगर आप अच्छे से करो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म भी दोनों को चार चार दिन मानो तो पाँच छः दिन या आठ दिन के अंदर कम से कम हो जाएगा और ऑप्टिक्स भी पूरा मिला के एक हफ्ते के अंदर हो जाएगा तो ये चार चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत हैवी वेटेज रखते हैं जेई मेन्स के परस्पेक्टिव से और मैं टाइम मैनेजमेंट की बात कर ही रहा हूँ तो मैंने बहुत इस वीडियो में हमने बात करनी थी स्टार्टिंग में बट हम स्टार्टिंग से नहीं कर पाए तो अभी मैं आपको बताता हूँ टाइम मैनेजमेंट करना बहुत इम्पोर्टेंट है और मैंने जो मैंने कुछ एक्सपीरियंस और ख़ुद के एक्सपीरियंस और जो टॉपर रहते हैं जिनके नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंटाइज लाए जेई एडवांस में और मीन्स में मैंने उनसे पूछ रखा है उन्होंने मुझे बताया कि वो एक एक बार में चार घंटे की बैठक रखते हैं हो सकता है आपकी कैपेसिटी थोड़ी कम हो थोड़ी ज़्यादा हो पर एटलीस्ट uh, आप बैठो आप एक घंटे बैठो फिर ब्रेक लो फिर एक घंटे बैठो फिर ब्रेक लो पर आपका बैठना ज़रूरी है अगर आपको जेई मेन्स और एडवांस क्लियर करनी है तो और उसका कंसिस्टेंसी ऐसे बनी रहती थी क्योंकि वो बीच बीच में जो ब्रेक लेते थे उसमें वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते थे जैसे उनका माइंड एकदम रिफ़्रेश हो जाता गलत एक्टिविटीज़ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ जैसे फ़ोन चलाना लैपटॉप चलाना गेम खेलना नहीं वो गेम खेलते थे तो फुटबॉल जैसे मेरा एक दोस्त था उसके एडवांस में नाइन्टी नाइन पॉइंट है वो फुटबॉल खेलता था खुद ही अकेला वॉल के साथ वॉल पर बॉल मार मार के फुटबॉल खेलता था ऐसे ही दो चार स्पोर्ट्स खेल लेता था अकेले ही ठीक है कुछ मुझसे भी और भी दो चार दोस्त थे उनसे बात कर लेता था तो उससे उसका माइंड रिफ़्रेश रहता है और कुछ खा पी लेना है और और भी दो तीन चीज़ होती हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जो आपकी सिटिंग होती है वो आपको बनानी पड़ेगी उतनी भले एक घंटे से बनाओ फिर आगे आगे धीरे धीरे बड़ी लंबी करो सिटिंग बट हाँ आपको एटलीस्ट एक घंटे से तो चालू करना पड़ेगा और बीच बीच में थोड़ा खा लिया Uh, कुछ पी लिया लाइक शेक कॉफ़ी जूस एनी तो इससे माइंड कूल cool होता है रिफ़्रेश होता है और हाँ हम हमारी बॉडी बोलती है कि हाँ हम और बैठ सकते हैं और हमारा काम कर सकते हैं सो so बस हाँ आज की वीडियो के लिए इतना ही थैंक यू वेरी मच अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक पूरी देखी है तो लाइक ज़रूर करिएगा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी भी किसी भी बत, आपके दोस्त के लिए हेल्पफुल हो सकती है तो उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा आप हमें किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको कोई क्वेरी है आप किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं गुरु घंटाल टीम एट जी मेल डॉट कॉम पर और हमारी वेबसाइट के लिंक हमारी डिस्कॉर्ड सर्वर इंस्टाग्राम सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है आप हमें कॉन्टैक्ट वहाँ पर भी कर सकते हैं और आज की वीडियो के लिए इतना ही थैंक यू